बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं एक हेयर ऑयल का रिव्यू आपकी खिदमत में पेश करूंगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये न्यू हेयर ऑयल मेरे पास आए हैं और इसमें जो है वो दो कैटेगरी मेरे पास अभी अवेलेबल है यहाँ पे। बाइविल हेयर ऑयल इसका नाम है और इसमें एक कोकोनट वाला भी आता है और एलोवेरा भी इसमें एक कैटेगरी आती है। वो अभी अवेलेबल है नहीं मेरे पास, उसकी मैं अगर तस्वीर हो सके तो यहाँ लगा दूँगी। अच्छा, ये बायवेल हेयर ऑयल जो है ये इंडिया का हेयर ऑयल है। बायवेल हेयर ऑयल के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो अभी ये मार्केट में न्यू इशू हुए हैं, ये न्यू प्रोडक्ट अभी आई है इसकी, और इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे अवेलेबल हुए हैं। मैंने ख़ुद इसको यूज़ नहीं किया है लेकिन जिनको मैंने दिया था इस्तेमाल करने के लिए तो उन्होंने इसके रिज़ल्ट बेस्ट रिज़ल्ट बताए हैं। और ये देखें, ये मैं आपको शो भी करा दी, इसमें बारकोड वगैरह सब दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट जो है वो कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं है और इसमें जो है बाकायदा इसमें बारकोड है। इसके अलावा इसमें जो है वो बता रहे हैं कि ईमेल वगैरह भी इन्होंने दी हुई है कि कहाँ की मैन्युफैक्चर्ड है, मेंशन किया हुआ है बाकायदा। और ये देखिए, मैं इसकी आपको ढक्कन खोल के भी दिखा रही हूँ। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये देखें इसका जो पैकेजिंग का जो है वो कोई इशू नहीं है कि तेल जो है वो गिरेगा। एक होता है ना कि तेल के जो है वो गिरने का बड़ा इशू होता है कि बंदा रख नहीं पाता है, वो जगह जगह जो है वो तेल के निशानात पड़ रहे होते हैं हाथों में अलग। ये देखें, इसको अगर आप इस तरह से करेंगे ना नीचे की तरफ तो इससे भी तेल बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि ऊपर का इसका कॉर्क खोलना है आपने, इसके बाद आपने कॉर्क को टाइट कर देना है। और ये जो है मेरे पास ऑलिव वाला है और इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं। इसमें कैक्टस ऑयल एक्सट्रैक्ट भी है, इसमें कैस्टर ऑयल भी है, इसके अलावा विटामिन ई है, कैनोला RBD कैनोला ऑयल वगैरह इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे इन्होंने चीज़ें ऐड की हुई हैं और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। वीडियो को आप लोग लाइक किया करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके अलावा जो है इस ऑयल के बारे में अगर कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसमें विटामिन ई प्लस इसमें जो है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया हुआ है और इसके अलावा ये जो है वो इसमें कैरेटीन जो लिखा हुआ है, तो कैरेटीन जो होता है ना वो आपके बालों को स्मूथ करता है और शाइन करता है। जैसे अगर किसी के बालों में टेंगल्ड होते हैं और किसी के बाल जो है वो रफ़ होते हैं, तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट ये दिया हुआ है कैरेटीन, कि आपके बालों को जो है वो होम ट्रीटमेंट करेगा और इसके अलावा स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा। अच्छा, इसका कोई हार्ड डब्बा नहीं आता, ये इस तरह की ही वो प्लास्टिक की बोतल में अवेलेबल है। ये शीशी की बोतल नहीं है, ये प्लास्टिक की जो है वो बोतल है और ये ब्रेकेबल फ्री है और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा ये जो है ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आराम से इसको आप लेके सफ़र कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं भिजवाना चाहें किसी को तो भिजवा भी सकते हैं। अब प्राइस की अगर बात की जाए इसकी, तो प्राइस जो है ये 400 का मैंने खुद परचेज़ किया है, तो प्राइस जो है वो अच्छी प्राइस है, कोई ज़्यादा हाई फाई प्राइस भी नहीं है। तो एक नॉर्मल प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आप किस प्रोडक्ट की रिव्यू चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट करके। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।